हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन साइट सी एस आई टी। माई नेम इज पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब मैं यहाँ पे कवर करवा रही हूँ। ऑलरेडी मैंने कई सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर करवा रखे हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले, क्योंकि मैं यूनिट वाइज क्वेश्चन कवर करवा रही हूँ विद इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ। कुछ हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं और कुछ जो भी अवेलेबल हमारे पास है वो सब मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। तो आज हमारा सब्जेक्ट है नेटवर्किंग, और नेटवर्किंग में टॉपिक है OSI और TCP/IP मॉडल। पार्ट वन मैंने ऑलरेडी करवा रखा है और उसके कई सारे इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने प्रोवाइड कराए हैं हैंड रिटन नोट्स के साथ। तो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, मतलब कि अगर नेटवर्किंग आपने पढ़ा है तो TCP/IP OSI मॉडल, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। और अगर आपने इसको पूरे अच्छे से कवर कर लिया तो सारा नेटवर्किंग आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स तो मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, तो आई होप आपने उसका रिवीजन किया होगा। अगर आपने रिवीजन किया होगा तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि हमें नहीं आता है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, TCP/IP मॉडल वाइज डेवलप्ड फिल इन द ब्लैंक्स द OSI मॉडल। यहाँ पे कह रहा है कि TCP/IP मॉडल जो है OSI मॉडल से पहले आया था या बाद आया था या साथ साथ आया था या कोई मतलब ही नहीं है, कोई लिंक नहीं है दोनों का। तो जो TCP/IP मॉडल हमारा है वो OSI मॉडल से पहले आया था, पहले TCP आया था, बट इसका ज़्यादा जिक्र नहीं होता है क्योंकि इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया गया है। और OSI मॉडल का डॉक्यूमेंटेशन किया गया है इसलिए हम लोग इसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रायर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इन अ जनरल नेटवर्क मॉडल। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा लेयर हमारा OSI लेयर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करवाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर। तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी कौन करवाता है, हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, बी इज द राइट आंसर। या तो प्रोसेस टू प्रोसेस हो सकता है या तो पोर्ट पोर्ट टू पोर्ट या फिर एंड टू एंड, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक हमारा जैसे हमारा होता है होस्ट टू होस्ट, तो ये किसका होता है, नेटवर्क लेयर का। यहाँ पे हो सकता है सोर्स टू डेस्टिनेशन, एक हमारा होता है होप टू होप या फिर पॉइंट टू पॉइंट या फिर नोड टू नोड, तो ये किसका काम होता है, डेटा लिंक लेयर का। तो इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे यहाँ पे बना हुआ है प्रोसेस टू प्रोसेस ट्रांसपोर्ट लेयर का, हो सकता है कि होस्ट टू होस्ट दे दे या फिर सोर्स टू डेस्टिनेशन दे दे या फिर इसमें से दे दे होप टू होप, पॉइंट टू पॉइंट, नोड टू नोड। तो हमें ये सब याद रखना होगा कौन से लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द फिजिकल लेयर इज कनेक्टेड विथ। यहाँ पे कह रहा है कि फिजिकल लेयर किससे कनेक्टेड है, बिट बाय बिट डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिलीवरी, पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी। तो फिजिकल लेयर जो हमारा होता है बिट टू बिट डिलीवरी होता है। हमने जो नोट्स प्रोवाइड किया देखिएगा, एक एक लाइन मैच करेगा आपका क्वेश्चन से, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ट्रांसमिशन मीडिया प्रोवाइड्स द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन अ नेटवर्क। यहाँ पे कह रहा है कि ये सब क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया है, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर, इलेक्ट्रिकल केबल। तो इनमें से कह रहा है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड किस में सबसे ज़्यादा होता है, कोएक्सियल में होता है, ट्विस्टेड पेयर में होता है, ऑप्टिकल में होता है, इलेक्ट्रिकल में होता है। तो किस में ज़्यादा होता है, ऑप्टिकल फाइबर में होता है सबसे ज़्यादा, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यहाँ पे कह रहा है कि फिजिकल लेयर किसके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइन कोडिंग के लिए, चैनल कोडिंग के लिए, मॉड्यूलेशन के लिए, ऑल ऑफ द मेंशन। तो फिजिकल लेयर क्या है, सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइन कोडिंग के लिए भी, चैनल कोडिंग के लिए भी, मॉड्यूलेशन के लिए भी, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फिजिकल लेयर ट्रांसलेट लॉजिकल कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम द फिल इन द ब्लैंक्स इन टू हार्डवेयर स्पेसिफिक ऑपरेशन।
यहाँ पे कह रहा है कि फिजिकल लेयर ट्रांसलेट करता है लॉजिकल कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम द, मतलब कि फिजिकल लेयर किससे लेता है, डेटा लिंक लेयर से लेगा, ऑब्वियस है। फिजिकल लेयर से ऊपर कौन सा होता है, जैसे हमारा क्या होता है यहाँ पे फिजिकल होता है, यहाँ पे डेटा होता है, यहाँ पे नेटवर्क होता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, और यहाँ पे सेशन होता है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन होता है, और यहाँ पे एप्लीकेशन होता है। यही 7 लेयर होते हैं हमारे। तो यहाँ पे फिजिकल लेयर के ऊपर क्या है, डेटा लिंक लेयर। फिजिकल लेयर ऑब्वियस है ना, डेटा लिंक लेयर से ही तो लेगा। डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर से लेगा, नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट से, ट्रांसपोर्ट लेयर सेशन से, सेशन से प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन से। तो ऐसे चलता है हमारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, डेटा लिंक लेयर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच इज नॉट अ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। यहाँ पे कह रहा है कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कौन सा नहीं है, HTTP, SMTP, FTP, TCP। तो ये HTTP भी है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, SMTP है, FTP है, TCP हमारा नहीं है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। TCP कौन सा है, ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। तो हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बन जाए कि TCP कौन से लेयर का प्रोटोकॉल है। तो हमें याद रखेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। और कौन सा है, UDP हो गया, TLS हो गया, और भी बहुत सारे मतलब कि हैं, SSL हो गया, ये सब कौन सा है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन एट द एप्लीकेशन लेयर इज कॉल्ड। यहाँ पे कह रहा है कि जो पैकेट हमारा मैसेज होता है उसको हम लोग एप्लीकेशन लेयर पे क्या कहते हैं। हम लोग पहले दिन डिस्कस किए थे कि किस लेयर पे मैसेज को क्या कहते हैं, पैकेट किस लेयर पे कहते हैं, मैसेज किस लेयर पे कहते हैं, सेगमेंट किस पे कहते हैं, फ्रेम किस पे कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एप्लीकेशन लेयर पे क्या कहते हैं उस इंफॉर्मेशन को, पैकेट को, तो हम लोग क्या कहते हैं, मैसेज कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। अगर पैकेट पूछता है तो पैकेट किस पे होता है, नेटवर्क लेयर। और अगर मैसेज पूछता है तो मैसेज किस पे होता है, एप्लीकेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, ये तीनों पे हमारा क्या होता है, मैसेज होता है। सेगमेंटेशन किस पे होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। और फ्रेम किस पे होता है, डेटा लिंक लेयर। फ्रेम किस पे होता है, डेटा लिंक लेयर। तो ये हमें याद रखना होगा किस लेयर पे किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर था, एप्लीकेशन लेयर पे क्या बोलते हैं, मैसेज बोलते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन लेयर ऑफर्स फिल इन द ब्लैंक सर्विसेज। यहाँ पे कह रहा है कि एप्लीकेशन लेयर किस तरह के सर्विसेज ऑफर करता है, इन टू इन, प्रोसेस टू प्रोसेस, बोथ इन टू इन एंड प्रोसेस टू प्रोसेस, और नॉन ऑफ द मेंशन। तो जो हमारा एप्लीकेशन लेयर ऑफर करता है वो क्या होता है, इन टू इन होता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल यूजेज विच एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो सबसे पहले तो हमें समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक मेल जो हमारा वो होता है वो कौन सा प्रोटोकॉल होता है। तो ये कौन सा होता है, SMTP और पॉप होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और पॉप। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक मेल यूजेज विच एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, मतलब कि हम इनमें से कौन सा है इलेक्ट्रॉनिक मेल जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल पे वर्क करता है। तो कौन सा हो जाएगा, SMTP। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो द नेटवर्क लेयर इज कंसर्न विद, नेटवर्क लेयर किससे कंसर्न होता है, डेटा को। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किए थे बिट्स, फ्रेम, पैकेट, बाइट्स। तो क्या होता है, नेटवर्क लेयर पे पैकेट होता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है नेटवर्क लेयर का, राउटिंग, इंटरनेटवर्किंग, कॉर्डिनेशन कंट्रोल, एरर कंट्रोल। तो इनमें से नेटवर्क लेयर का कौन सा फंक्शन नहीं है, एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल जो होता है हमारा वो होता है डेटा लिंक लेयर का।
एरर कंट्रोल हो गया, फ्लो कंट्रोल हो गया, एक्सेस कंट्रोल हो गया। तो ये सब किसका काम रहता है? डेटा लिंक लेयर का। तो हम लोग याद रखेंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। तो अब 4 byte आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे कह रहा है कि 4 byte का जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो किस किस चीज को कंसिस्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है। ओनली नेटवर्क एड्रेस को करता है, ओनली होस्ट एड्रेस को करता है, नेटवर्क एड्रेस एंड होस्ट एड्रेस को करता है, नेटवर्क एड्रेस एंड मैक एड्रेस को करता है। तो हम लोग इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे ये आईपी एड्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें जैसे हमारा होता है कुछ नेटवर्क आईडी होता है, जिसमें कुछ हमारा होता है होस्ट बिट और होता है हमारा नेटवर्क। तो ये जो 4 bit होता है टोटल कितना हो गया, 32। 32 bit हो गया। यहाँ पे 4 byte है तो मतलब क्या हो जाएगा, 1 byte में क्या होता है 8 bit होता है। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 32 bit हो जाएगा। 32 bit का होता है जिसमें कि होस्ट बिट एंड नेटवर्क बिट दोनों ही होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेटवर्क एड्रेस एंड होस्ट एड्रेस दोनों को रिप्रेजेंट करता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राउटिंग एल्गोरिदम्स कैन बी यूज फॉर नेटवर्क लेयर डिजाइन। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा राउटिंग एल्गोरिदम है जो नेटवर्क लेयर को डिजाइन करने में हेल्प करता है। तो फर्स्ट है शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग और ऑप्टिमाइजेशन। तो ये सारा ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डेटा लिंक लेयर टेक्स द पैकेट फ्रॉम एंड इनकैप्सुलेट देम इनटू फ्रेम फॉर ट्रांसमिशन। यहाँ पे कह रहा है कि डेटा लिंक लेयर जो पैकेट लेता है कहाँ से लेता है और उसको इनकैप्सुलेट करता है फ्रेम में। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि फ्रेम में कन्वर्ट करना किसका काम रहता है, फ्रेमिंग का किसका काम रहता है, डेटा लिंक लेयर का रहता है। तो डेटा लिंक लेयर किससे पैकेट लेता है, तो किससे लेता है, हमारा नेटवर्क लेयर से लेता है। हमारा इस तरह से रहता है, जैसे कि हम लोग सेंडर साइड है तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे एप्लीकेशन होता है, फिर प्रेजेंटेशन होता है, फिर सेशन होता है, फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, और फिर यहाँ पे नेटवर्क होता है, और फिर यहाँ पे डेटा होता है। तो डेटा लिंक लेयर किससे लेगा पैकेट, नेटवर्क से लेगा, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन को देगा, फिर प्रेजेंटेशन लेयर सेशन को देगा, सेशन लेयर ट्रांसपोर्ट को देगा, ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क को देगा, और नेटवर्क लेयर किसको देगा, डेटा लिंक लेयर को। तो डेटा लिंक लेयर किससे ले रहा है पैकेट, नेटवर्क लेयर से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। अ मैसेज ट्रेवल्स ओवर अ फिजिकल पाथ इज कॉल्ड। यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा मैसेज है वो फिजिकल पाथ जो ट्रेवल होता है उसको क्या कहते हैं, सिग्नल, मीडियम, प्रोटोकॉल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो उसको क्या कहते हैं, मीडियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। विच एड्रेस आइडेंटिफाई अ प्रोसेस ऑन अ होस्ट। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा एड्रेस आइडेंटिफाई करता है प्रोसेस को ऑन अ होस्ट, फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, पोर्ट एड्रेस, स्पेसिफिक एड्रेस। तो कौन करता है, पोर्ट एड्रेस। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पे कह रहा है कि फिजिकल लेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंडिविजुअल मूवमेंट के लिए, फ्रेम्स के लिए है, बिट के लिए है, पैकेट के लिए है, बाइट के लिए। तो किसके लिए है, बिट के लिए। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स बिलो द फिजिकल लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज। यहाँ पे कह रहा है कि वो डिवाइस कौन सा ऑपरेट करता है बिलो फिजिकल लेयर, मतलब कि फिजिकल लेयर से भी नीचे। सबसे नीचे तो हमारा फिजिकल लेयर ही होता है ना, फिर डेटा लिंक लेयर होता है, फिर नेटवर्क लेयर होता है, फिर सो ऑन। तो उससे भी नीचे, तो एक्टिव हब, रिपीटर, ब्रिज, पैसिव हब। तो क्या हो जाएगा, पैसिव हब। बेसिकली हब क्या होता है, 2 types के होते हैं, एक्टिव हब होते हैं, पैसिव हब होते हैं। इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैसिव हब। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो IEEE 802.11 कवर्स द फिजिकल लेयर एंड, ये क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है IEEE 802.11। तो किसको कवर करता है, फिजिकल लेयर को, और किसको करता है, डेटा लिंक लेयर को करता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। वायरलेस ट्रांसमिशन कैन बी डन वाया, वायरलेस ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, किसके द्वारा कर सकते हैं, माइक्रोवेव, रेडियोवेव, इंफ्रारेड, ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द मेंशन। सारे से कर सकते हैं, माइक्रोवेव से भी कर सकते हैं, रेडियोवेव, इंफ्रारेड। तो डी इज द राइट आंसर।
तो आज इतने ही क्वेश्चन थे, आई होप आपके लिए सीरीज हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्दर एनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है तो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।